मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है। इस बीच एक युवा जो अपने राजनीतिक कौशल का लोहा इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में भी मनवा चुका है, वो चंबल की गलियों में चुनावी बिसात बिछा रहा है। इस युवा का नाम चौधरी भरत सिंह चतुर्वेदी है, जो कि इन दिनों अपने पिता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के लिए भिंड की गलियों में लोगों के बीच पहुंच बना रहा है। आपको बता दें कि भरत सिंह चतुर्वेदी वो पहले युवा हैं जिन्होंने चंबल की धरती से इंग्लैंड पहुंचकर वहां की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों को परास्त किया। स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल करने गए भरत सिंह चतुर्वेदी ने वहां छात्र संघ चुनाव में शामिल होकर अन्य प्रत्याशियों को परास्त किया था और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में छात्र संघ प्रेसिडेंट चुने गए थे। साल 2017 में भरत सिंह प्रेसिडेंट चुने गए थे। दूसरे साल वो स्टूडेंट ट्रस्टी भी बने। इस तरह उन्होंने न केवल भारत बल्कि चंबल की माटी का गौरव भी बढ़ाया। इंग्लैंड में अपनी कुशल राजनीति का लोहा मनवा चुके भरत सिंह चतुर्वेदी अब भिंड की गलियों में अपने पिता के लिए जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। भरत के पिता राकेश सिंह चतुर्वेदी भिंड विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। पिता को चुनावी मैदान में देखकर बेटे भरत सिंह चतुर्वेदी ने चुनाव अभियान की कमान अपने हाथों में ले ली है। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा, उन्हें राजनीति की प्रेरणा अपने बाबा दिलीप सिंह चतुर्वेदी से मिली थी। दिलीप सिंह चतुर्वेदी साल 1955 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के प्रेसिडेंट चुने गए थे। ये बात उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। इसके बाद भरत के पिता राकेश सिंह चतुर्वेदी भिंड विधानसभा से अब तक 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। वो दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। राजनीतिक समझ और राजनीतिक कौशल भरत सिंह चतुर्वेदी को विरासत में मिला है और यही वजह है कि इंग्लैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में भी भरत सिंह ने इस राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। भरत सिंह चतुर्वेदी बताते हैं कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में वो जिन मुद्दों को लेकर इलेक्शन में खड़े हुए थे वो मुद्दे भिंड से काफी अलग है। भिंड के प्रमुख मुद्दे बेरोजगारी, पलायन और असुरक्षा है, जो कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के मुद्दों से काफी अलग है। अपने राजनीतिक भविष्य पर बात करते हुए भरत सिंह ने कहा, उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं किया है। वो एक सेवक की तरह काम करना चाहते हैं। उन्होंने अभी अपने पिता से भी राजनीति को लेकर बात नहीं की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।